फ्री है। यहाँ पे मोबाइल यूज करना मना नहीं है, नहीं है मना। हेलो गाइस, तो वेलकम टू छत्रपति गैंग। तो आज हम आए हैं, कहाँ है भैया? सुलाबर्डी। तो जैसे देख सकते हो मेरे पीछे एक कैलाश पर्वत है बहुत बड़ा, हम वहाँ पे जाएंगे, चढ़ेंगे ऊपर। गणेश जी की मूर्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। वीडियो है, इसमें से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये हम कहाँ पे आ गए कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अरे बाप रे, गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है। अभी क्या करेंगे भैया? डर लग रहा मेरे को, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ पे। एक और शिवलिंग, एक दूसरा शिवलिंग मेरे सिर पे लग जाएगा एक हाथ। डर तो इतना लग है भाई, इधर। हाँ, अरे बाप रे, यहाँ पे अगर अटक गया ना तो रात भर भी नहीं रह पाऊंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। लाइट इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ पे फंस गए हम, तब तक हम बाहर नहीं निकले सुबह से, बहुत टाइम लग रहा है निकलने में। दरवाजा कहाँ से कुछ समझ भी नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछे वहां पे क्या है, ऋषि मुनि है और शायद से वाल्मीकि है और गणेश जी लिख रहे हैं। ये क्या है? केदारनाथ। फाइनली जो देखना है उसके दर्शन करेंगे अभी। ये देखो, ये है आदि शक्ति। गाइज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रास्ता बहुत छोटा होते जा रहा है, बहुत छोटा होते जा रहा है। अभी झुक के चलना पड़ेगा, मैं मेरी हाइट 6 फीट है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये है पेड़, ये श्री विश्वनाथ जी झुर भी नहीं ये है पेड़ और ये पंखा भी लगा है पेड़, जैसे कि देख सकते हो आप, पेड़ एक नंबर बना है, ये असली नहीं है, एक और शिवलिंग श्री त्रंबकेश्वर। इसकी एक खासियत है कि देखो शिवलिंग को कुछ ऊपर कुछ है नहीं। ये शिव जी है और ये शायद से कोई, मुझे
यमराज होंगे, यमराज होंगे, ये पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तक गुफा खत्म नहीं हुई है, अभी और एक शिवलिंग है, श्री बैद्यनाथ। श्री बैद्यनाथ जी का शिवलिंग, और चलते आगे। ये है श्री नागेश्वर जी का शिवलिंग, और क्या है ये रामेश्वर, ये साउथ में जो फिल्मों में दिखाते हैं ना वो मंदिर, वहाँ का शिवलिंग है, ऐसा ही दिखेंगे उसकी ये कॉपी। ये है रुनेश्वर, ये नाम मैंने पहली बार सुना है इसलिए इसकी जानकारी मुझे खुद भी नहीं पता, बट आगे देखते हैं। ये है श्री विष्णु जी भगवान, और यहाँ पे गधा भी लगी है उनकी, पता नहीं दिख तो रही है गधा है, और वो शिव जी से हाथ जोड़ रहे हैं। इतना टाइम है यार, इतने ऊपर जाना पड़ेगा, और अच्छा है यहाँ पे सीढ़ियाँ है, नहीं तो सीढ़ियाँ नहीं होती तो गिर के फिसल जाते हैं। फाइनली उजाला दिखाई दे रहा है, शायद से हम बाहर आ गए। ये है हमारे शनि भगवान है, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके पैर सीधे हैं। ये काल रात्रि माता, ये हम आ गए, यहाँ पे हवन का है, हवन भी है, हवन करेंगे। ऊपर है, और भी ऊपर जाना है, जाना है, जाना है, और आगे यहाँ पे क्या है पता नहीं अंदर, और पता नहीं कितने ऊपर जाना पड़ेगा। आ गए, क्या सुंदर है, जा रहे हैं अभी देखते हैं नीचे, नीचे जाने का वही रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। हाँ होगा, पहुंच गए गाइस नीचे। कौन है? हाँ ये हो सकती है शनि भगवान। अभी हम आ गए गार्डन में नीचे।
गाइस आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर देखो, पानी के अंदर पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे सिक्के। इसको उठाने के लिए मयूर मयूर को लाना पड़ेगा, इस या इस मयूर सबको उठा देगा वो। 906 मयूर 906 वैसे, और कौन सा है, शंकर पाड़े 420। और ये है उसकी आईडी, उसको फॉलो करो, लाइक भी कर दो उसको, और फिर फॉलो बैक मत देना गलती से भी फिर वो नहीं, अगर उसने उल्टा फिल्टा बोल रहा हूँ। गाइस अंदर गए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और पता ही नहीं चला कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है कहाँ नहीं जाता है। अभी चलते हैं अपने गांव नरखेड। हाँ चलो गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो छत्रपति गैंग की वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे चलते चलते।